लगा। आपको कितने लोगों ने? पहले 3-4 लोग ही थे लेकिन बाद में उन्होंने किसी को फोन करके पूछा कि अगर फ्री हो तो आ जाओ, और कहा कि एक बकरा फंसा है। इस पर उसने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, हो सके तो यहाँ भेज दो, मैं देख लूंगा। इसके बाद गाड़ी में डालकर रेडियो ऑन करो। मुझे गाड़ी में डालकर भेज दिया। वाह, कम से कम 7 लोगों ने मेरी जमकर धुलाई की। बहुत मारा, बहुत मारा। कॉमेडी को ऑफ मत करो, ऑफ मत करो। फिर मुझे ऑटो में बिठा दिया। मुझे लगा कि शायद वो लोग मुझे घर भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। लगता है बुद्ध भी कॉमेडी का शौकीन है। प्लीज भुज्जी, मुझे छोड़ दीजिए। पीछे ये तीनों बैठी हैं ना, जाके उन्हें पकड़िए। जल्दी जाइए भुज्जी। तू भूत बन के मेरे सामने क्यों खड़ा है? अरे छोड़ो, तुम भूत भूत करते रहते हो। तुम्हारे जाने के बाद भूत मेरे पास आया था। अच्छा, तो वो तुम्हारे पास भी आया? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, मेरे पास क्यों आया? क्योंकि तुम भी हिंदुस्तानी हो ना, क्या पता शायद इसीलिए आए हो। मजाक कर रहे हो? मैं डरा हूँ तो मजाक कर रहे हो? सॉरी टोनी भाई, एक्चुअली मैं भी बहुत डरा हूँ। बताओ ना क्या किया जाए। ये वही दबा, यहाँ दुबई में एक तांत्रिक है। अच्छा, वही हम दोनों को बचा सकते हैं। ऐसा क्या? यस, कम ऑन। हां चलो। क्या बात है भाई, परेशान लग रहे हो? और नहीं तो क्या टोनी भाई, एक तो ये नौकरी मुझे कितनी मुश्किलों के बाद मिली, और ऊपर से इस नौकरी पे ये भूत आ गया। तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मुझे लगता है कि वो चुड़ैल होगी। कैसे? क्योंकि चुड़ैलें तुम्हारे जैसे हैंडसम को पसंद करती हैं। सच में? तुमने हाँ नहीं कहा इसलिए मेरे पास आ गई। अब वो तुम्हारे पास नहीं जाएगी। क्या टोनी भाई, प्यार अंधा होता है मैंने सुना था, लेकिन यहाँ तो चुड़ैल भी अंधी है। भाई क्या कह रहे हो, तभी तो उसने तुझे पसंद किया। भाई एक रात उसके साथ बिताना चाहता हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो पता क्या होगा, सुबेरे खून की उल्टियाँ करता हुआ मर जाएगा तू। तूने चुड़ैल को समझ क्या रखा है? कुछ ना कुछ करना ही होगा इसका। अच्छा, वो तांत्रिक कैसा आदमी है? क्या कह रहे हो, उसका नाम सुनते ही यहाँ का बुर्ज खलीफा भी हिलता है। चुड़ैल की क्या औकात, एक बार वहाँ उठा के बिल्डिंग को देख ले तो सबकी हवा निकल जाती है। अच्छा। हाँ भाई, इस पूरे ब्रह्मांड में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर कोई तांत्रिक है तो आयुष्मान स्वामी जी ही है। तेरी बात सच्ची है ना? यस, क्योंकि इस दुबई में मैंने उन्हें देखा है इसीलिए। अरे वाह, बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह लाल लाल है। हे टोनी,
हम तो यहाँ स्वामी जी से मिल आए थे, लेकिन यहाँ तो अपने गाँव की खुशबू आ रही है। भाई ज्यादा मत निहारो, स्वामी जी को पता चला तो जुबान पे कील मार देंगे। ऐसा क्या? ये गुरु जी की पीए है। अरे वह कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ की तरह पीए रखा है इन्होंने। भाई स्वामी जी के बारे में ज्यादा मत पूछो, बैकग्राउंड बहुत गंदा होगा। ऐसा क्या? भाई वो उठ गई है, हाथ बांध के खड़े हो जाओ। आओ जी आओ जी। अरे ये तो सूंघ रही है, मैं सेंट लगाना भूल गया। आओ जी आओ जी। कंट्रोल कंट्रोल, सॉरी भाई। आप दोनों भारत से ही है ना? आपको कैसे पता चला? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर कान में बात कर रहे थे, उसी से पता चल गया। आप वेट कीजिए, मैं गुरुजी को बुलाकर लाता हूँ। कितनी खूबसूरत है। हे बावर्ची, इसने कौन सा दूध पिया जो इतनी अकलमंद है? भाई इसने अपनी माँ का दूध नहीं बियर पीकर बड़ी हुई होगी। तुम दोनों भारत से हो ना? आपको कैसे पता? ये पता लगाने के लिए क्या कोर्ट के जज को आना पड़ेगा? सुनो, शादी ना हो, बीवी का बच्चा ना भी हो, तब भी नौकरी ना मिले या बीवी भाग जाए, तो सबसे पहले बाबाओं के पास भारतीय ही आते हैं। मैंने कहा था सब पहचान लेते हैं। तुम्हारी समस्या क्या है बाबा जी? रात को मेरे कमरे में आत्मा घूमती है। गुस्से में घूमती है? हाँ बाबा जी। सफेद कपड़ों में घूमती है? हाँ बाबा जी। आपको कैसे पता? अगर सफेद कपड़ों में धुएं की तरह घूमती है तो वो भूत है, और वही सफेद कपड़े पहनकर भीड़ में घूमे तो वो राजनेता है। खाकी कपड़े पहनकर दरवाजे पर बैठे तो वो वॉचमैन, वही खाकी कपड़े पहनकर रूम में बैठे तो वो पुलिसमैन है। माथे पर त्रिपुंड लगाकर काले कपड़े पहने तो वो भगवान का भक्त है, लेकिन वही बिना त्रिपुंड के काले कपड़े पहने तो वो नास्तिक है। मैंने कहा था ना बाबा बहुत ही ज्ञानी है। आगे बताओ। स्वामी जी बोल। रूम में जग हवा में झूल रहा था। उठाकर फेंकोगे तो झूलेगा ही ना। स्वामी जी मेरी बात मानिए, चेयर भी। जमीन पर रखी चेयर ऊपर कैसे उड़ रही थी? समझे नहीं स्वामी जी, बैठने वाली चेयर। अच्छा तो बैठने वाली चेयर हवा में उड़ रही थी। अरे बाप रे। बाबा जी पानी का जग भी नाच रहा था। हे भगवान, वाटर जग तुम्हारे कमरे में डांस कर रहा था। बाबा जी ये क्या कह रहे हो? विश्व सिनेमा में जो आज तक नहीं हुआ वो तुम्हारे कमरे में हुआ। हाँ स्वामी जी। मतलब तुम लोगों की समस्या का समाधान? हाँ बोलिए। मैं बस एक मिनट में कैसे भी करके सब कुछ पता लगा लूंगा। तब तक तुम दोनों सेल्फ कंट्रोल में रहना। हाँ स्वामी जी। अमला अमला। स्वामी जी काम दृष्टि से नहीं भक्ति से देख। कसम से भक्ति से ही देख रहा हूँ स्वामी जी से। अच्छा तुम्हारी भक्ति थी? हाँ, स्वामी जी। अरे बेवकूफ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ही ढूंढ रहा हूँ। ढूंढिए स्वामी जी, कंटिन्यू ढूंढिए। अमला अमला, हाथ उठाकर सर पर रखो। किसके सर पर रखेगी? अपना हाथ इसके सर पर रख। अरे बस करो। बोलिए ना, थोड़ी देर और हिलाए। इसने सब बता दिया। क्या बता दिया? पूछिए ना स्वामी जी। यहाँ दुबई काम के लिए आने से पहले तुम इंडिया में क्या काम करते थे? रायगढ़ में खेती करता था। तुम्हारे गांव में एक नदी बहती है ना? हाँ स्वामी जी बहती है। ए दाढ़ी वाले लड़के मेरी बात सुन। जानता है जब मैं इंडिया में था ना, तब इसने उस नदी में शराब पीकर नशा करने के लिए गांजा लेकर 52 साल ये 52 साल की औरत के साथ दोपहर 12 बजे बिना कपड़ों के नंगा लेटा हुआ था। भाई मुझे पता नहीं बाबा क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। अरे तू बता, तभी तो बता रहा हूँ। झूठ बोलता है ये भूत, झूठ बोलता है। बोलो तुम लफंगे हो, बोल शराब पीता है। 52 साल की मोटी औरत के साथ लेटा हुआ था ना।
मान लिया, जब से पैदा हुआ तब से दो वक्त की रोटी के भी फाके थे और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, ऐसी जिंदगी जीने वाले एक इंसान की आत्मा तुझे देखकर ईर्ष्या से भरकर तू ऐसी जिंदगी जी रहा है देखकर घुस आई है और तुझे तंग कर रही है। कहाँ गई? अमला रानी, अमला रानी, डोरी कहाँ है? डोरी कहाँ है? डोरी दो मुझे, स्वामी जी लाओ दो मुझे। इसे तुम चेयर में बांधना और तू जग में बांधना और इसे तू डिसेंट लग रहा है गले में बांधना और तू इसे स्वामी जी उस जगह कस कर बांधना। दुखेगा तो कमर में बांधने से क्यों दुखेगा, चुपचाप बांध ले। अरे जरूर भाग जाएगा, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अमला रानी, मैंने जो रकम इनसे नहीं मांगी वो भी मिलाकर पूरे 3,333 रुपए ले लो, और ज्यादा दे तो भी ले लेना, तुम किसी काम के लिए मत शर्माना। अमला, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मैं उनके साथ हूँ, मुझे तनख्वाह की क्या जरूरत है, जितने कहे उतने दो। निकाल लो। अमला रानी ये लीजिए, थैंक यू। ये भी रख लो। लंबे कदम रख कर जाना।